अभी हम तीसरे पढ़ाव की ओर जा रहे हैं लेकिन इसके पहले अगर हमने देखा तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछले दो जो फेजेस है उसमें कम नज़र आया है कितना सीरियसली आप इसको लेते हैं और क्या कुछ इसके रीजंस रहे इस ऐसा आपका मानना है चुनाव आयोग ने आंकड़े रिलीज किए हैं 2019 में महाराष्ट्र में एवरेज वोटिंग ये 61 परसेंट हुआ था पाँचों फेज का मिलाकर अभी पहले दो फेज में महाराष्ट्र में 63 परसेंट यानी एवरेज के दो परसेंट ज़्यादा वोटिंग हुआ है लेकिन ये भी सही है कि मुंबई में कम वोटिंग होता है तो एवरेज थोड़ा नीचे आता है तो इसलिए ये कोई सेटिस्फाइड या सेटिस्फाई होने लायक वोटिंग नहीं है तो हम लोगों को भी ये चिंता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट करना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का महोत्सव है और मैं हमेशा कहता हूँ कि आ, लोकतंत्र में बात करने का नैतिक अधिकार कानून और अधिकार तो सबको ही है लेकिन नैतिक अधिकार केवल उसको जो वोट देता है जो वोट नहीं देता उसको नैतिक अधिकार नहीं है जो लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश कैसा होना चाहिए और देश कैसा बदलना चाहिए और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और वोट देने नहीं जाते ऐसे लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि आ, मुझे एक प्रकार से आई पीटी देम इस प्रकार के लोग और ये लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते